कथित लव जिहाद पर बहस के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। कहा, हम प्रियंका और सलामत को हिंदू मुस्लिम के रूप में नहीं देखते, बल्कि वे दोनों अपनी मर्जी और पसंद से खुशी से साथ रह रहे हैं। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के बाद कारोबारियों को बैंक खोलने की अनुमति पर भड़के राहुल गांधी। बोले, क्रोनोलॉजी समझिए, पहले कुछ बड़ी कंपनियों का कर्ज माफ किया, फिर इनको टैक्स में बड़ी छूट दी। कोरोना संकट पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से 1000 और आईसीयू बेड की मांग की। भारत ने 25 पाकिस्तानी कैदियों को किया रिहा, अमृतसर में अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते वापस भेजा। दक्षिण भारत में चक्रवाती तूफान निवार के आने की आशंका, आंध्रा तमिलनाडु और पुडुचेरी में प्रशासन अलर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार स्वीकार की हार। कहा, नई सरकार के गठन का नहीं करेंगे विरोध, पहले ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन की जीत को बता रहे थे धांधली का नतीजा। जो बाइडेन के सहयोगी रहे एंटनी ब्लिंकन होंगे अमेरिका के नए विदेश मंत्री। अवरील हेंस नेशनल इंटेलिजेंस संभालने वाली बनेंगी पहली महिला। चीन ने चांगई 5 अंतरिक्ष यान चंद्रमा के लिए किया रवाना। 4 दशक बाद कोई यान उतरेगा चंद्रमा की सतह पर, लाएगा मिट्टी और चट्टान के नमूने। और पाकिस्तान की मानवाधिकार मंत्री शिरीन मजारी ने फ्रांस से माफी मांगी। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को बताया था नाजी, फ्रांस की कड़ी आपत्ति के बाद हटाए आपत्तिजनक ट्वीट।